नमस्कार, आईआईटी गांधीनगर सीएलआई के आंखों की चमक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम इस साधारण रबड़ के एक पेन और कुछ चुंबकों को, 6 चुंबक और एक आइसक्रीम की डंडी को इस्तेमाल कर एक हवा में लेटने वाला पेन बनाएंगे। आपने शायद देखा हो, कुछ बाबा लोग एक डंडे के ऊपर हवा में लेट जाते हैं। ऑफ कोर्स वो तरकीब लगाते हैं कोई, लेकिन यहाँ पर हम कोई जादू नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नेट के एक अनूठे सिद्धांत को इस्तेमाल करके हम हवा में लटकने वाला पेन बनाएंगे। ये बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने जो रबड़ का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर हम आइसक्रीम की डंडी को रखकर एक सीधी लाइन लगा देंगे यहां पर। उसके बाद लगभग 2 उंगली की चौड़ाई हटाने के बाद एक दूसरी लाइन खींच देंगे और ये लाइन बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींचेंगे। और उसके बाद कोने में लगभग 3 उंगली छोड़ने के बाद एक और लाइन खींच देंगे। तो हमने क्या करा, 3 लाइनें खींच दी। अब हमें इसको यहां पर इन लाइनों पर कट लगाना है एक ही बार में, हम आगे पीछे खींच कर कट नहीं लगाएंगे। तो उसके लिए हमने वापस से डंडी का सहारा लिया और यहां पर रखकर दबाया और खींचकर एक सीधा कट लगा दिया। देखिए कट आर पार होना चाहिए, यानी कि पीछे से भी आपको कट दिखाई देगा। इसके बाद ये हमने जो आइसक्रीम की डंडी थी, इसका छोटा सा टुकड़ा ये हमने पहले वाले कट में लगा दिया, तो ये हमारा ऐसे डंडी बन गई। इसके बाद हमने 2 चुंबकें ली। इस स्थिति में हम दूसरी वाली जो हमने 2 कट लगाए हैं उसके अंदर घुसा देंगे। और इसके बाद बची हुई दो चुंबक हैं, 6 चुंबक थी उसमें से बाकी 2 चुंबक भी इस स्थिति में हम तीसरे वाले छेद में भी इन चुंबकों को लगा देंगे। अब हमारा बेस लगभग तैयार है। अब हमें ये पेन के अंदर चुंबक घुसानी है, तो ये पेन के अंदर ये बची हुई 2 चुंबक हमें घुसानी है। पर हम पाते हैं कि ये चुंबकें थोड़ी ढीली हैं। हमने एक अखबार के टुकड़े की एक लंबी पट्टी फाड़ दी इसके ऊपर, जो हम चुंबक बिठाना चाहें वो इसके अंदर अब टाइटली फिट हो जाएगी, ये देखिए। और अब हम इसको सरका देंगे। दूसरी पट्टी लेंगे, दूसरी पट्टी को भी इस्तेमाल कर हम दूसरी चुंबक अंदर घुसा देंगे। जो पेन है, पेन पे 2 चुंबकें लगकर तैयार हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमने चुंबक पेन के आगे वाली है, इस चुंबक को अगर आगे वाली चुंबकों के ऊपर रखें तो चिपकनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम रख रहे हैं तो देखिए धक्का देती है, विकर्षण करती है, इस स्थिति में नहीं रखेंगे। और इधर भी ऑफ कोर्स विकर्षण कर रही है तो इधर भी नहीं रखेंगे। तो इन दोनों चुंबकों की हम पलट देंगे। पलटना मतलब इसको यहाँ से उठाने के बाद अब हम पाएंगे कि इन चुंबकों के ऊपर यदि हम रखें तो देखिए चिपकती है। तो ये अब चुंबकी की पोजीशन बिल्कुल ठीक है। चुंबक हमारी अगर टेढ़ी हो तो उनको थोड़ा सीधा कर दें। अब पीछे की चुंबक की पोलैरिटी देखेंगे। ये पीछे की चुंबक, आगे की चुंबक चिपकनी चाहिए और पेन की पीछे की चुंबक बेस की पीछे की चुंबक को विकर्षण करना चाहिए। यहाँ पर ये अट्रैक्ट कर रही हैं तो ये भी गड़बड़ है, इसको भी हम चेंज कर देंगे। अब हम अगर टेस्ट करें तो ये वाली विकर्षण कर रही है। ये हमारा पेन हवा में लटकने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर पेन के आगे वाली चुंबक बेस की आगे वाली चुंबकों से थोड़ा पीछे है और ये पेन के पीछे वाली चुंबक बेस की चुंबक के बिल्कुल ऊपर है। और अगर आप दूसरी दिशा से देखना चाहें ऐसे, तो आप ये पाएंगे कि बेस की आगे वाली चुंबक पास पास हैं और पीछे वाली चुंबक थोड़ी फैली हुई, यानी दूर दूर हैं। तो आशा है आपको हमारा ये हवा में लटकने वाला और घूमने वाला पेन पसंद आया होगा।
इसको मैगलेव पेन भी बोलते हैं और दुनिया की सबसे तेज ट्रेन जो चलती हैं चाइना में शंघाई में मैगलेव ट्रेन्स वो इसी सिद्धांत पर चलती हैं। उसकी ट्रेन पटरी के ऊपर हवा में चलती है और इसी सिद्धांत के ऊपर आठवीं कक्षा की एक लड़की हमसा पद्मनाभन ने एक 5 पेज का पर्चा लिखा था इसका विज्ञान समझाने के लिए और 2008 में उन्होंने ये पर्चा इंटेल साइंस कंपटीशन में भेजा जिसमें भारत में उनको पहला स्थान मिला। फिर उनको अमेरिका बुलाया गया विश्व स्तरीय कंपटीशन के लिए, वहाँ पर दुनिया भर में उनको दूसरा इनाम मिला। आठवीं कक्षा की लड़की थी, पुणे के गणेश खिंद केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। नासा ने एक लघु ग्रह का नाम भी उनके नाम पर रख दिया। नासा के पास अभी भी 70,000 ऐसे प्लैनेट हैं, लघु ग्रह हैं, जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। तो अगर हम भी अपने नए कुछ खोज करते हैं तो शायद हमारे नाम पर भी एक लघु ग्रह हो जाए। आशा है आपको ये हमारा मैगलेव पेन पसंद आया होगा। धन्यवाद।